नमस्कार दोस्तों, मैं केदारनाथ एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आरओ एआरओ परीक्षा के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। इससे पहले हम हिंदी पर्यायवाची की एक टेस्ट सीरीज करा चुके हैं। आज हम उसी क्रम में दूसरी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आपने पहली टेस्ट सीरीज हमारी देखी होगी। अगर आप किसी कारणवश उसको नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे ज़रूर देखें। दोस्तों, ये जितने ही पूर्व में आए हुए प्रश्न हैं उनके प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जिसका उत्तर हमने हरदेव बारी, वासुदेवानंदन और घटनाचक्र जैसी पुस्तकों से लिया है। और यह एक पर्यायवाची का बृहद संकलन है। इससे बाहर कहीं भी किसी भी एग्जाम में चाहे वो यूपी पुलिस की हो, चाहे यूपी पीसीएस की हो, चाहे आरओ एआरओ की हो, चाहे सीटेट की हो, किसी भी परीक्षा में इससे बाहर पर्यायवाची के शब्द पूछा जाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमने लगभग सारे शब्दों का संकलन कर दिया गया है, जो ऐसे शब्द जो बहुत ही पूछे जाते हैं, जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए, यह आपके लिए बहुत लाभदायी टेस्ट सीरीज है। तो चलिए, अब आज इसको शुरू करते हैं, पर्यायवाची का टेस्ट सीरीज नंबर 2। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए, ऑप्शन ए है वातायन, ऑप्शन बी है बारी, ऑप्शन सी है दरीचा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, वातायन भी खिड़की का पर्यायवाची है, बारी भी खिड़की का पर्यायवाची है और दरीचा भी खिड़की का पर्यायवाची है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या में। देखिए, वातायन, बारी तथा दरीचा, देखिए वातायन, बारी तथा दरीचा, ये तीनों खिड़की की पर्यायवाची हैं। इसकी अन्य पर्यायवाची हैं गवाक्ष, देखिए याद रखिएगा गवाक्ष, ये इम्पोर्टेंट है, गवाक्ष जो है खिड़की की पर्यायवाची है और झरोखा भी खिड़की की पर्यायवाची है, तो गवाक्ष को याद रखिएगा। चलिए अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। तो जैसा ही आप जानते हैं, व्योम का मतलब आकाश होता है, गगन होता है। तो देखिए, अंतरिक्ष व्योम का पर्यायवाची है, अंबर भी व्योम का पर्यायवाची है और नभ भी व्योम का पर्यायवाची है। तो पीयूष जो है ये व्योम का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष किसका पर्यायवाची होता है? यह अमृत का पर्यायवाची होता है। पीयूष जो है किसका पर्यायवाची है? यह अमृत का पर्यायवाची होता है। सुधा, अमीय, पीयूष, यह अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, दिया है पीयूष अमृत का पर्यायवाची है, अमृत के अन्य पर्यायवाची हैं सुधा, अमीय, सोम, अमी, सुरभोग, मधु, जीवनोदक आदि। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए यहाँ लिखा है अमीय और यहाँ लिखा है अमी, इसमें यह नहीं लिखा है, लेकिन ये दोनों अमृत के पर्यायवाची हैं, यह ध्यान देने वाली बात है। साथ ही मधु को याद रखिएगा, मधु जो है यह अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अभ्र, गगन और अनंत, ये व्योम के पर्यायवाची हैं। अभ्र को याद रखिएगा, अभ्र का मतलब होता है आकाश, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो अभ्र की पर्यायवाची, अभ्र आकाश की पर्यायवाची है, ये बहुत पूछा जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विशिख, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है बाण, ऑप्शन सी है तरु और ऑप्शन डी है सरोवर। तो देखिए, विशिख का मतलब आप जानते हैं बाण से होता है, विशिख जो है बाण की पर्यायवाची है, क्योंकि सरोवर जो है, सरोवर की पर्यायवाची क्या है? ये है हृद, हृद, पुष्कर, पुष्कर, ये जो है सरोवर की पर्यायवाची है। तरु की पर्यायवाची, तरु का मतलब पेड़ होता है, तो पेड़, वृक्ष, तो तरु की पर्यायवाची क्या होता है? तरु की द्रुम होता है, गाछ,
गाछ भी तालू की पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस प्रकार बिसिक जो है बिसिक बाण की पर्यायवाची है, याद रखिएगा। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए बिसिक बाण का पर्यायवाची है, बाण के अन्य पर्यायवाची हैं तीर, सर, देखिए याद रखिएगा आसुग, आसुग बाण का पर्यायवाची है, सिलिमुख, सिलिमुख बाण का पर्यायवाची है, ईशु, ईशु नाराज, सायक और तोमर, ये भी बाण की पर्यायवाची है, सारंग भी बाण की पर्यायवाची। वैसे तो सारंग की कई पर्यायवाची होता है, जैसे सारंग का क्या होता है, हिरण होता है सारंग, सूर्य होता है सारंग। और अब देखिए तरु, द्रुम, गाछ, ये किसकी पर्यायवाची है, तरु, द्रुम और गाछ, यह है वृक्ष की पर्यायवाची। देखिए द्रुम, द्रुम और गाछ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो तरु, द्रुम और गाछ ये वृक्ष का पर्यायवाची है। हृद, पुष्कर, तालाब और सरोवर, देखिए हृद, पुष्कर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सरोवर के पर्यायवाची हैं या तालाब के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है, ध्यान दीजिएगा, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का अर्थ होता है मछली, तो मछली का समानार्थी क्या है, देखिए झक, झक जो है, झक का मतलब मछली होती है, तो मीन की पर्यायवाची है झक। बाकी ये तीनों किसकी पर्यायवाची है, देखिए सिलीमुख, आली और षटपद, ये तीनों भौरे की पर्यायवाची होती है। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, ये देखिए सिलीमुख है और इसके आगे अगर देखिए, अगर ये छोटी की मात्रा लगे, देखिए सिलीमुख है और अगर ये सिलीमुख हो जाए, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, ये सिलीमुख है, इसका अर्थ होता है भौरा, क्या होता है, इसका अर्थ होता है भौरा, और यह सिलीमुख है, इसका अर्थ होता है बाण, इसका अर्थ होता है बाण। देखिए कितना सूक्ष्म अंतर है, आयोग अगर ऐसी प्रश्न दे देगा तो गलती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ आइए, ये देखिए सिलीमुख है, सिलीमुख का मतलब होता है, सिलीमुख भौरे की पर्यायवाची है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो है भौरे की पर्यायवाची है, लेकिन अगर इसी में छोटी की मात्रा हो जाएगी, लपर छोटी मात्रा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सिलीमुख और ये बाण की पर्यायवाची हो जाएगी, तो इसलिए इसे याद रखिएगा। आली षटपद भौरा का पर्यायवाची है। ठीक है, मीन का समानार्थी झक है, तो मीन के अन्य पर्यायवाची क्या है, तो मीन का अन्य पर्यायवाची है मकर, देखिए मकर मीन का पर्यायवाची है, मत्स्य, उलूमी, याद रखिएगा उलूमी, उलूमी जो है मछली का पर्यायवाची है, बहुत इंपॉर्टेंट है उलूमी, जल जीवन और सफरी बहुत पूछा जाता है, सफरी भी मछली की पर्यायवाची है। ठीक है, तो मकर, मत्स्य, उलूमी और सफरी जरूर याद रखिएगा, उलूमी और सफरी ये मत्स्य के पर्यायवाची है। ठीक है, अब चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है, हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है ब्रह्मा, ऑप्शन सी है महेश और ऑप्शन डी है गणेश। तो देखिए हिरण्य गर्भ का जो पर्यायवाची है वह है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को जो है हिरण्य गर्भ कहा जाता है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिरण्य गर्भ जो है ये क्या है, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ठीक है, ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची हैं, देखिए आत्मभू, स्वयंभू, लोकेश, विरंच, करतार, याद रखिएगा करतार और विरंच बहुत पूछा जाता है, सदानंद, गिरापति और स्रष्टा, याद रखिएगा स्रष्टा होता है, हम क्या प्रयोग करते हैं अक्सर, सृष्टा लिख देते हैं, नीचे री बना देते हैं, जैसे अगर हम सृष्टा को ऐसे कर दे तो ये गलत हो जाता है, तो सृष्टा नहीं होता है, ये स्रष्टा होता है। तो आत्मभू, स्वयंभू, लोकेश बहुत पूछा जाता है, विरंचि पूछा जाता है,
करतार, सदानंद, गिरापति और स्रष्टा, ये हैं ब्रह्मा के पर्यायवाची। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। ठीक है, इन्हें बार बार आप देख के दोहराते रहिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए हमें नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से टेलीग्राम पे जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? किसका पर्यायवाची? दैत्य का। तो राक्षस दैत्य का पर्यायवाची है, दानव भी दैत्य का पर्यायवाची है, निशाचर भी दैत्य का पर्यायवाची है, ये देखिए भूसुर, भूसुर दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो भूसुर किसका पर्यायवाची है? भूसुर जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसमें सही क्या है। भूसुर सही है, तो भूसुर जो है किसकी पर्यायवाची है? भूसुर ब्राह्मण की पर्यायवाची है। ठीक है, ब्राह्मण को भूसुर भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, राक्षस, दानव, निशाचर, ये सभी जो है दैत्य के पर्यायवाची हैं। क्या क्या? राक्षस, दानव और निशाचर, ये सभी दैत्य के पर्यायवाची हैं, जबकि भूसुर, महिसुर, विप्र, द्विज, भूदेव, ये सभी ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, भूसुर, महिसुर, विप्र, द्विज और भूदेव, ये सभी जो है ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। अब आपको लग रहा होगा द्विज कई चीजों की पर्यायवाची है, तो देखिए द्विज ब्राह्मण की पर्यायवाची है, द्विज पक्षी की पर्यायवाची होती है, द्विज दांत की भी पर्यायवाची होती है, और चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है। ठीक है, तो द्विज जो है कई चीजों की पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए अनुचर मतलब है दास का पर्यायवाची है, परिचर भी दास का पर्यायवाची है, और भृत्य का अर्थ भी दास होता है। तो क्या नहीं है दास का पर्यायवाची? अहन। तो अहन किसका पर्यायवाची है? अहन किसका पर्यायवाची है? चलिए देखते हैं, अहन देखिए अनुचर, परिचर, भृत्य, देखिए अनुचर, परिचर, भृत्य, सेवक, किंकर, गुलाम, ये दास के पर्यायवाची हैं, जबकि अहन जो है, देखिए अहन जो है ये आ की मात्रा नहीं रहेगी, अहन जो है ये दिन का पर्यायवाची है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। दिन के अन्य अहन 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 जो है ये दिन का पर्यायवाची है, दिन के अन्य पर्यायवाची हैं दिवस, दिवा, वासर, वार आदि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, कटी, हस्त, पाणी और कर। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए कटी जो है, देखिए हस्त जो है हाथ का पर्यायवाची है, पाणी जो है ये भी हाथ का पर्यायवाची है, और कर जो है ये भी हाथ की पर्यायवाची है। तो हाथ की पर्यायवाची क्या नहीं है? ये है कटी, हाथ की पर्यायवाची नहीं है। कटी जो है कटी कमर की पर्यायवाची। देखिए कटी आपने बहुत सुना होगा, लेकिन कमर की एक पर्यायवाची और होती है, मैं आपको बता देता हूँ, वह है श्रोणी। श्रोणी भी कमर की पर्यायवाची होती है। ठीक है, तो कटी और कट की एक कटी होती है कमर की पर्यायवाची, और श्रोणी भी होती है कमर की पर्यायवाची। ठीक है, आइए देखते हैं, देखिए कटी तथा श्रोणी ये दो जो है, कटी और श्रोणी ये कमर की पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि हस्त, पाणि, कर तथा भुज हाथ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कटी तथा श्रोणी या श्रोणी याद रखिएगा, यह कमर का पर्यायवाची है, जबकि हस्त, पाणि, कर तथा भुज हाथ के पर्यायवाची हैं। ठीक है,
चलिए अपने नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से केश का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है? कुंतल, कच्छ, नीरव और अलग। अब सोचिए कौन सा नहीं है। देखिए कुंतल का मतलब होता है केश, ये सही है, केश का पर्यायवाची है, ठीक है। दूसरा आया कच्छ, कच्छ भी केश का पर्यायवाची है और अलग भी केश का पर्यायवाची है। तो नीरव जो है, नीरव केश का पर्यायवाची नहीं है, तो नीरव किसका पर्यायवाची है? हाँ देखिए, नीरव जो है यह शांत या मौन का पर्यायवाची है, जबकि कुंतल, कच्छ, देखिए कुंतल, कच्छ, अलक, गेसु भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, अलक और गेसु याद रखिएगा, कुंतल बहुत पूछा जाता है, कच्छ भी पूछा जाता है, बाल आदि केश के पर्यायवाची है, ठीक है। नीरव शांत या मौन का है, जबकि कुंतल, कच्छ, अलक, गेसु, बाल आदि केश के पर्यायवाची है, ठीक है। अब चलिए अपने 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह है, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो देखिए बैल का पर्यायवाची क्या नहीं है। नंबर ए है अश्व, नंबर बी है वृषभ, नंबर सी है बलिवर और नंबर डी है गो। अब बताइए इसमें बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए वृषभ है ही है, बलिवर भी बैल का पर्यायवाची है, ये बैल का तत्सम है, जब आप हम आपको तद्वत तत्सम पढ़ाएंगे तो बैल का बलिवर तत्सम मिलता है, ठीक है। गो भी बैल का पर्यायवाची है, तो अश्व नहीं है बैल का पर्यायवाची, तो अश्व किसका पर्यायवाची है? अश्व है पत्थर का पर्यायवाची, ठीक है। अश्व का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए विषभ, विषभ बलिवर्द तथा गो ये बैल के पर्यायवाची हैं, जबकि अश्व पत्थर का पर्यायवाची है। पत्थर के अन्य पर्यायवाची हैं, अश्व देखिए पत्थर का पर्यायवाची है, जबकि पत्थर के अन्य पर्यायवाची हैं पाषाण, प्रस्तर और पाहन, ठीक है। और विषभ बलिवर तथा गो ये बैल के पर्यायवाची है, ठीक। दोस्तों आरोह आरोह टेस्ट सीरीज में ये जो हमने पर्यायवाची लिया है, इसमें ढेर सारे शब्दों का संकलन किया गया है, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसे बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, किसी भी परीक्षा में इससे बाहर कभी किसी भी पर्यायवाची के पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। और यह हमने वासुदेवानंदन प्रसाद, हरदेव बारी और घटनाचक्र की पुस्तकों से ये संकलन किया है। बाकी ये सारे प्रश्न लगभग पूर्व में आए हुए प्रश्न हैं, इसमें से कुछ प्रश्नों को हमने स्वयं बनाया हुआ है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अतः इसे आप लगातार दोहराते रहिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध है। टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यह हमारा दूसरा वीडियो है पर्यायवाची का, दूसरा टेस्ट सीरीज है। इसका पहला टेस्ट सीरीज देखने के लिए हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप जो है उस लिंक के माध्यम से इसकी पहली टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बगुला शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है ना। अच्छा प्रश्न, देखिए बगुला, बगुला शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? चक्रवात, निर्जन, मूर्ख और मसृण। तो देखिए बगुला जो है यह चक्रवात का पर्यायवाची है, ठीक है, बगुला चक्रवात का पर्यायवाची है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए बगुला, बवंडर और झंझावात ये सभी चक्रवात के पर्यायवाची है, ठीक है। बगुला, बवंडर और झंझावात ये चक्रवात के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब देखिए निर्जन का पर्यायवाची, निर्जन का पर्यायवाची होता है बियाबान, याद रखिएगा बियाबान बहुत इम्पोर्टेंट है, वीरान, सुनसान और उजाड़, ये निर्जन का पर्यायवाची है, ठीक है। अब यहाँ आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये बियाबान है, ये निर्जन है, लेकिन अगर यही बयाबान हो जाए, बियाबान की जगह ये बया बान हो जाए, तो बयाबान से क्या होता है? देखिए बियाबान होता है निर्जन का और बयाबान होता है जंगल का, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है,
हम आपको ऐसी हर जगह पे सचेत करेंगे जहाँ जानना आपको जरूरी है, जहाँ गलत होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो निर्जन होता है बियाबान का, और जंगल जहाँ होता है उसे बयाबान कहते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का अंतर आप जान गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मूर्ख का पर्यायवाची, मूर्ख का मूढ़, बुद्धू जड़ भी, जड़ बुद्धि भी कहते हैं, और ना समझ, ये मूर्ख के पर्यायवाची। ठीक है, देखिए मसृण, मसृण बहुत पूछा जाता है। मसृण, स्निग्ध, मृदुल, नाजुक और सुकुमार, ये कोमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, मसृण, स्निग्ध, मृदुल, नाजुक और सुकुमार, ये कोमल के पर्यायवाची हैं। दोस्तों इससे बाहर पर्यायवाची कहीं नहीं आनी है, क्योंकि जितने उपयुक्त शब्द हैं और जितनी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उन सारे प्रश्नों का संकलन हमने कर दिया है। ठीक है, आपका काम बस ये है कि आप लगातार इसको दोहराते रहिए, लगातार इसको दोहराते रहिए। आप देखिएगा कि पर्यायवाची में किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे, उसमें पर्यायवाची में इससे बाहर के प्रश्न कभी नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है सुषमा, ऑप्शन बी है शोभा, ऑप्शन सी है सुंदरता, और ऑप्शन डी है रमणी। तो देखिए सुषमा, शोभा और सुंदरता, ये तीनों सौंदर्य का पर्यायवाची हैं। रमणी सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि रमणी किसका पर्यायवाची है? रमणी युवती को कहते हैं, युवती की पर्यायवाची है रमणी। ठीक है, रमणी युवती की पर्यायवाची है, जबकि सुषमा शोभा और सुंदरता सौंदर्य की पर्यायवाची है। युवती की देखिए अन्य पर्यायवाची है, तरुणी, सुंदरी, श्यामा, प्रमदा भी युवती को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रमदा युवती की पर्यायवाची है, और किशोरी भी होती है। देखिए श्यामा युवती की भी पर्यायवाची है, और श्यामा किसकी है? कोयल को भी श्यामा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कोयल को भी श्यामा कहते हैं और युवती को भी श्यामा कहते हैं। तो इस तरह से श्यामा दोनों की पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। देखिए पर्यायवाची पढ़ते समय इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी पर्यायवाची गलत नहीं होगी। शब्दों के अर्थ और उनके प्रयोग को वास्तव में समझते जाएंगे और देखते जाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है, तो धीरे धीरे आपकी सारी पर्यायवाची सही हो जाएगी, कोई भी गलत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब अपने 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से गणिका का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान से देखिएगा। वारांगना, मंगलमुखी, मंजरी और रामजनी, इसमें से गणिका का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए मंजरी जो है ये गणिका का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी वारांगना, मंगलमुखी और रामजनी, ये तीनों गणिका की पर्यायवाची है, जबकि मंजरी किसकी पर्यायवाची है? मंजरी जो है कहते हैं लता को, इसको कहते हैं मंजरी जो है लता को कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए मंजरी गणिका की पर्यायवाची नहीं है, बल्कि लता की पर्यायवाची है। लता की अन्य पर्यायवाची, देखिए मंजरी जो है ये लता की पर्यायवाची है। लता की अन्य पर्यायवाची है देखिए बेली, बेली और बल्ली, ये दोनों लता की पर्यायवाची हैं। बल्लरी भी लता की पर्यायवाची है। ठीक है, और लतिका भी लता की पर्यायवाची है। अब देखते हैं कि गणिका की पर्यायवाची, देखिए वारांगना, मंगलमुखी, रामजनी भी कहते हैं, कालरेखा भी कहते हैं गणिका को, नगरवधु होती है, वार स्त्री भी कहते हैं, पाणी स्त्री भी कहते हैं, रूप जीवा भी कहते हैं। ठीक है, कितनी अच्छी पर्यायवाची है, अब ध्यान से देखिएगा। वारांगना, मंगलमुखी, रामजनी, कालरेखा, नगरवधु, वार स्त्री, पाणी स्त्री, रूप जीवा, ये सभी गणिका के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें से गलत ना होने पाए बिल्कुल भी। आइए हम अपने 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है बताना है। ठीक है, तारीख है, तारीख, ऑप्शन बी है अंक, ऑप्शन सी है तिथि, और ऑप्शन डी है मिति। ठीक है, तो देखिए अंक जो है यह दिनांक की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अंक जो है यह दिनांक की पर्यायवाची नहीं है। अंक का अर्थ होता है, देखिए दिनांक की जो पर्यायवाची है
देखिए तारीख, तिथि और मिति ये तीनों दिनांक के पर्यायवाची हैं, जबकि अंक शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। अंक शब्द का मतलब होता है अंक, एक संख्या होती है। गोद को भी अंक कहते हैं, भाग्य भी अंक होता है, और चिन्ह भी, चिन्ह के संदर्भ में भी अंक एक चिन्ह भी होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अंक जो है दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अपने 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहिन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, बहिन का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आइए देखते हैं, बहिन का पर्यायवाची कौन सा है? नंबर ऑप्शन ए है तनुजा, ऑप्शन बी है शार्दुल, ऑप्शन सी है इला और ऑप्शन डी है सहोदरा। तो देखिए शार्दुल सिंह का होता है, ठीक है, इला भी, इला किसकी होती है? धरती की, इला बागीसा, ये जो है सरस्वती की होती है। ठीक है, इसमें जो सहोदरा है ये बहन की पर्यायवाची है। ठीक है, ठीक है ना? तो देखिए तनुजा बेटी की होती है। अब देखिए हम इसको आगे बताते हैं। देखिए बहन के पर्यायवाची शब्द हैं भगनी, स्वसा, बांधवी भी कहते हैं, सहोदरा आदि हैं, जबकि तनुजा, तनुजा, तनया और सुता, आत्मजा, दुहिता, ठीक है, नंदिनी, नंदिनी आदि जो है ये पुत्री के पर्यायवाची हैं, जबकि इला, वागीसा, कर्णिका आदि सरस्वती के पर्यायवाची है। ठीक है, शार्दूल, मृगेंद्र, केसरी आदि सिंह के पर्यायवाची है। ठीक है ना? अब चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए विचक्षण, विचक्षण याद रखिएगा, विचक्षण शब्द निम्नलिखित में से किसकी पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है कोविद, ऑप्शन बी है मनीषी, ऑप्शन सी है धीर और ऑप्शन डी है ईशु। तो किसका पर्यायवाची नहीं है विचक्षण? ठीक है, देखिए कोविद, मनीषी और ये धीर, ये तीनों विचक्षण के पर्यायवाची हैं, जबकि ईशु जो है ये विचक्षण का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं विचक्षण किसे कहते हैं। देखिए विचक्षण जो है ये पंडित की पर्यायवाची है। ठीक है, तो कोविद मतलब पंडित, मनीषी, धीर, विद्वान आज सभी पंडित के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जबकि इशु, नाराज, आसुग, सिलीमुख, विशिख और सर, ये जो है बाण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बाण के पर्यायवाची ये सभी हैं। देखिए ये सिलीमुख नहीं है, सिलीमुख ये गलत लिखा है। बाण का जो सिलीमुख होता है वो इसमें, ये देखिए सिलीमुख नहीं है, ली छोटी की मात्रा होती है, सिलीमुख होता है। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो बाण का सिलीमुख होता है वो ल पर छोटी मात्रा होती है। ठीक है, तो ये नाराज आसुक भी होता है और सिलीमुख होता है, भिषिक सर ये सब बाण के पर्यायवाची होते। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए अपने 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए है सर्प, ऑप्शन बी है आही, ऑप्शन सी है तुरंग और ऑप्शन डी है विषधर। तो इसका होगा विषधर, चूंकि सर्प, आही, चूंकि सॉरी देखिए कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? देखिए हम 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए है सर्प, ऑप्शन बी है अहि, ऑप्शन सी है तुरंग और ऑप्शन डी है विषधर। तो आप जानते हैं तुरंग जो है किसकी पर्यायवाची है? तुरंग घोड़े की पर्यायवाची है। ठीक है, तो यह जो है नाग का पर्यायवाची नहीं है।
यहाँ लिख देंगे नहीं है, तुरंग नाग की पर्यायवाची नहीं है, ये घोड़े की पर्यायवाची है। ठीक है, नाग की अन्य पर्यायवाची क्या है? सर्प अहि विषधर भुजंग ब्याल फड़ी उरग होता है, उरग, ये उराग लिखा है, उरग होता है, उरग और पन्नग। ठीक है, ये उराग नहीं होता, ये होता है उ र और ग। ठीक, तो नाग की अन्य पर्यायवाची सर्प अहि विषधर भुजंग ब्याल फड़ी उरग पन्नग। ठीक है, ये होता है नाग की पर्यायवाची। ठीक है, आइए हम अपने 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए दहन, कृषाण और धूमकेतु, ये जानते हैं ये अग्नि का पर्यायवाची है। दहन, कृषाण भी अग्नि का पर्यायवाची है और धूमकेतु भी अग्नि का पर्यायवाची है, जबकि सर्वरी जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए दहन, कृषाणु, धूमकेतु, वैश्वानर, जात वेदस, वायु सखा, अनल होता है, देखिए अनल भी होता है, हुतासन, पावक आदि जो है अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, जबकि आप जानते हैं सर्वरी, त्रियामा, रजनी और विभावरी ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा वैश्वानर और अनल और जात वेदस। ठीक है, ये और कृषाणु भी ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, पावक भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इन्हें याद रखिएगा, बल्कि सर्वरी, त्रियामा, रजनी और विभावरी ये रात्रि के पर्यायवाची हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपकी जो भी शिकायतें हों वो अपने हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप और एक्स्ट्रा हमसे क्या चाहते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, हमारी कोई कमियां हो उसको सुधारने के लिए कोई सुझाव आप दे सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जितना संभव हो सकता है उतनी अच्छे प्रश्नों को बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं, और जो पूर्व में आए हुए प्रश्न हैं उनका ऑथेंटिक उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, और पर्यायवाची के ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को इसमें शामिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप लगातार इनको पढ़ते रहिए, लगातार दोहराते रहिए, मुझे पूरा भरोसा है कि किसी भी परीक्षा में पर्यायवाची इससे बाहर कभी नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? ठीक है, तो देखिए तालाब का पर्यायवाची क्या है? सर, सर जो है ये तालाब का पर्यायवाची है। ठीक है, क्योंकि पारावार जो है ये किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है, पारावार समुद्र का पर्यायवाची है, सरोरू जो है ये कमल का पर्यायवाची है, और सुरतरु जो है ये कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है सुरतरु। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तालाब के पर्यायवाची देखिए, सर पुष्कर, सरोवर, सरसी, देखिए सरसी, हृद, ताल, पद्माकर कहते हैं तालाब को, ध्यान रखिएगा कहीं समुन्दर की तरफ न भागिएगा, पद्माकर तालाब को कहते हैं, कासार तालाब को कहते हैं। ठीक है, पोखर और जलाशय, तो ध्यान रखिएगा सर पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृद, पद्माकर और कासार, ये जो है तालाब के पर्यायवाची हैं, जबकि सुरतरु, कल्पतरु और पारिजात मंदार, देखिए सुरतरु, कल्पतरु, पारिजात मंदार, हरिचंदन, देवद्रुम, कल्पद्रुम, देववृक्ष और कल्पसाल, ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। देखिए लगभग सभी पर्याय शब्दों को शामिल कर लिया गया है, सुरतरु, कल्पतरु, पारिजात मंदार, हरिचंदन, देवद्रुम, कल्पद्रुम, देववृक्ष और कल्पसाल, ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तालाब का देखिए फिर से, पुष्कर भी देख लीजिए, सर भी देख लीजिए, सरसी, हृद, पद्माकर, कासार, ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आज हम आगे चलते हैं। सरोरु देखिए, सरोरु, अब्ज, जलज, पंकज, इंदीवर, ये कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सरोरु, अब्ज, जलज, पंकज और इंदीवर, ठीक है, इंदीवर भी कमल का पर्यायवाची है। देखिए पारावार,
अवधि। अब देखिए यहाँ अब जो है और यहाँ अवधि है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एक का मतलब होता है कमल और एक का मतलब होता है समुद्र। तो अब्ज का मतलब होता है कमल और अवधि का मतलब होता है समुद्र, ठीक है? तो ये अंतर जरूर याद रखिएगा। वारिश कंपति होता है, कंपति ये भी समुद्र का पर्यायवाची होता है। रत्नाकर ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है? इन्हें जरूर याद रखिएगा। आइए अब हम आज के टेस्ट सीरीज के पर्यायवाची टेस्ट सीरीज नंबर 2 के आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 20वां प्रश्न है, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नंबर 1 है वाहिनी, नंबर 2 है तरणी, नंबर 3 है तटिनी और नंबर 4 है सरिता। तो देखिए इसमें वाहिनी भी नदी का पर्यायवाची है, तटिनी भी है और सरिता भी है। तो ये तरणी जो है ये तरणी नाव का पर्यायवाची है, ठीक है? तरणी जो है नाव का पर्यायवाची है, यह नदी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए नदी के पर्यायवाची हैं निम्न का सरिता, वाहिनी। देखिए निम्न का बहुत पूछा जाता है, निम्न का सरिता, वाहिनी, स्रोत, स्रोतस्विनी, तटिनी देखिए बहुत पूछा जाता है, निर्झरी बहुत पूछा जाता है, अपगा और तरिंगड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी लगातार नदी की पर्यायवाची हर परीक्षा में बहुत पूछी जाती है और वो ये सारे शब्द हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, निम्नगा, सरिता, वाहिनी, स्रोत, स्रोतस्विनी, तटिनी, निर्झरी, अपगा, तरंगिणी, ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। जबकि तरणी, तरी, डोंगी और नौका, बहिन याद रखिएगा, बहिन, बहिन क्या है, ये नाव का पर्यायवाची है, ठीक है? तो तरणी है, तरी है, डोंगी है, नौका है और बहिन है, ये सभी नाव की पर्यायवाची है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, आज के 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों आप इसका PDF लेने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उससे हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोहराते रहें। इससे बाहर की कोई भी आने की इसके बाहर के प्रश्न आने की संभावना नहीं है। जितना अधिक से अधिक शब्द हैं पर्यायवाची के उनको सबको शामिल कर लिया गया है, ठीक है? इसे लगातार पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मिलते हैं टेस्ट नंबर 3 के साथ। तब तक जो है आप अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।